नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल नेहा ऑफिशियल में। मैं हूँ नेहा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपना खूब सारा ख्याल रख रहे होंगे। प्रेगनेंसी के आखिरी महीनों में अक्सर महिलाओं के मन में ये सवाल रहता है कि उनकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर उन्हें ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। प्रेगनेंसी के आखिरी कुछ हफ्तों और कुछ दिनों में कुछ ऐसे संकेत मिलते हैं जिनका संबंध नॉर्मल डिलीवरी से होता है। जैसे जैसे डिलीवरी का समय नज़दीक आने लगता है, ऐसे वैसे बहुत सारे संकेत महिला को मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ महिलाएं इन संकेतों को समझ जाती है, कुछ महिलाएं नहीं समझ पाती है। खासकर वो महिलाएं जो पहली बार माँ बन रही होती है, उन्हें समझ नहीं आता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। जैसे कि आप सभी को मैंने पहले वीडियोज़ में भी बताया है कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए बेबी का हेड डाउन करना यानी बेबी का सर नीचे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बेबी हेड डाउन 8वें महीने के एंड पे और 9वें महीने के स्टार्टिंग में कर सकता है, जिससे कि आपको 15 से 20 दिन लग सकते हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। लेकिन कुछ केसेस में ऐसा होता है कि बेबी घूमते रहता है और एंड टाइम पे भी हेड डाउन करता है, इसलिए हर किसी के साथ एक जैसा नहीं होता है। लेकिन ज़्यादातर केसेस में ही देखा जाता है कि बेबी 8वें महीने के एंड पे या 9वें महीने के स्टार्टिंग में हेड डाउन कर लेता है। बेबी के हेड डाउन करने पे बहुत सारे संकेत महिला को मिलते हैं, जिसमें से सबसे पहले होता है कि पेट में गर्म महसूस होना। जैसे ही बेबी हेड डाउन करता है तो बेबी खिसक के पेल्विक एरिया में आ जाता है और सारा भार आपके पेल्विक एरिया पे पड़ने लगता है और ऊपरी हिस्से का जो पेट होता है एकदम खाली हो जाता है और आपको काफ़ी खालीपन महसूस होगा और साथ ही आपको थोड़ा सा गर्म भी महसूस होगा, क्योंकि बेबी जैसे ही नीचे खिसक के आता है तो आपको थोड़ी बहुत गर्मी महसूस हो सकती है और आपके पेट में खालीपन महसूस हो सकता है। बहुत सारी महिलाएं जो पहली बार माँ बन रही होती है इस चीज़ को नोटिस नहीं कर पाती है। बेबी के हेड डाउन करते ही आपके पेट में नीचे की तरफ झुकाव हो जाएगा, जिससे कि आपको काफ़ी भारीपन महसूस होगा। जैसे ही बेबी पेल्विक एरिया में आ जाता है तो आपको नीचे की तरफ झुकाव होना और काफ़ी भारीपन लगना एक आम बात हो जाती है। और जैसे ही आपको इस तरह के कुछ सिम्टम मिल रहे हैं और साथ ही हल्का हल्का आपके पेट के निचले हिस्से पे और पीठ के निचले हिस्से पे दर्द होगा, क्योंकि जैसे ही बेबी नीचे खिसकता है आपके पेट के निचले हिस्से और पीठ में दबाव पड़ना शुरू हो जाता है, जिससे आपको हल्का हल्का दर्द भी होगा। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आपकी 15 से 20 दिन में नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। बेबी के हेड डाउन करने पे बहुत सारे संकेत मिलते हैं, उसमें से ये संकेत भी है कि आपकी भूख बढ़ जाती है, क्योंकि जैसे ही आपका बेबी हेड डाउन करता है तो नीचे की तरफ खिसक जाता है। ऊपरी हिस्से का पेट खाली होने के कारण आपको ज़्यादा भूख लग सकती है, तो ये भी एक संकेत है। यदि ये आपके साथ हो रहा है तो आप समझ जाइए कि 15 से 20 दिन या 15 से 10 दिन में आपकी डिलीवरी हो सकती है। साथ ही आपको नींद कम आना और आपका बीपी बढ़ना, घबराहट होना, ये भी कुछ संकेत होते हैं। बेबी के नीचे खिसकने के कारण आपके पेल्विक एरिया में दबाव पड़ना स्टार्ट हो जाता है, जिस वजह से आपको बार बार यूरिन जाने की इच्छा भी होती है। यदि आपको बार बार यूरिन जाने की समस्या हो रही है तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि कुछ ही दिनों में आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। कुछ लक्षण ऐसे भी होते हैं जो डिलीवरी के 2 से 3 दिन पहले मिलते हैं या 4 से 5 दिन पहले मिलते हैं। उसमें से होता है म्यूकस प्लग का निकलना। ये वाइट डिस्चार्ज की तरह होता है, लेकिन इसका जो रंग होता है वो पिंक कलर या भूरे कलर का हो सकता है। यदि आपका म्यूकस प्लग निकल रहा है इस दौरान तो आप समझ सकते हैं कि आपकी डिलीवरी 4 से 5 दिन में नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है। बच्चे के नीचे खिसकने पे नीचे की तरफ दबाव पड़ने लगता है। जैसे ही पेल्विक एरिया में दबाव पड़ने लगता है तो ऐसे में वाइट डिस्चार्ज होना या म्यूकस प्लग निकलना बहुत आम बात होती है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आपकी डिलीवरी बहुत नज़दीक है। साथ ही आपको ब्लीडिंग की समस्या भी हो सकती है। यदि आपको ब्लीडिंग हो रही है तो 2 से 3 दिन में आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या आपको 1 दिन में भी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। तो आप ये सब होने पे अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करें और इन चीज़ों को नज़रअंदाज ना करें। आखिरी सिम्टम है पानी की थैली का फटना। पानी की थैली फटने के बाद आपको 2 से 3 घंटे या 6 से 7 घंटे में कभी भी डिलीवरी हो सकती है। तो पानी की थैली फटते ही आपको हॉस्पिटल जाना है और इस सिम्टम को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही पानी की थैली फटती है आपका डिलीवरी का टाइम एकदम नज़दीक आ जाता है और कभी भी आपकी डिलीवरी हो सकती है। तो दोस्तों, यही थे कुछ सिम्टम्स जो आपकी प्रेगनेंसी के दौरान आप सभी के साथ भी हो सकते हैं। हर किसी की प्रेगनेंसी एक जैसी नहीं होती है, इसलिए सभी के साथ एक जैसे सिम्टम्स भी नहीं आते हैं। इनमें से कोई ना कोई सिम्टम आप
आपके साथ भी ज़रूर आ सकता है, क्योंकि मैंने इतने सारे सिम्टम्स शेयर किए आप सभी के साथ। इसमें से एक सिम्टम तो हर एक महिला को आ सकता है, इसलिए आपको एक भी सिम्टम आ रहा है तो आप अपने डॉक्टर से ज़रूर परामर्श करें और नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार रहे। तो दोस्तों यही था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप सभी को मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर दबा दें जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी के पास आते रहे। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिए। बाय बाय फ्रेंड्स।